तो गाइस बेसिकली हमने कुछ टाइम पहले वीडियो में बात की थी एक्सप्रेस जेएस के बारे में। देखते हैं एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसी का देखा था कैसे हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं एंड कैसे हम अपनी एचटीएमएल को रेंडर करते हैं एक्सप्रेस के साथ। बट ये सारा काम हमने देखा था जावा से। बट आज की वीडियो में बात करें कैसे हम एक्सप्रेस को यूज करते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट के साथ, कैसे कोड को मैनेज किया जाता है, उसी का देखेंगे कैसे हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले करना है फोल्डर क्रिएट, जैसे मैंने कर रखा है टाइप स्क्रिप्ट क्रैश कोर्स नाम से। अब मैं इसको क्या करूंगा, वीएस कोड में खोलूंगा। सिंपल करना है आपको एक एंड पीएस कोड में खोलना है, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको कुछ इंस्टॉल करना है जैसे कि एक्सप्रेस जेएस को। तो आते हैं एंड टाइप करते हैं expressjs.com, जो क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है किसकी, एक्सप्रेस जेएस की, ठीक है। तो इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है। चलते हैं गेटिंग स्टार्ट पर एंड चलते हैं इंस्टॉलेशन पर। क्लिक करना है आपको इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी, जो हमने ऑलरेडी कर लिया, रेडी करना है, ऑलरेडी हो गए। अब क्या करना है, एन पी मिनट करना है जिससे आपकी पैकेट डॉट जेसन जनरेट हो जाए। करते हैं इसको कॉपी एंड इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपल आते हैं वीएस कोड में, टर्मिनल ओपन करना है एंड देखोगे कोई फाइल नहीं है अभी मेरे पास, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इंस्टॉल किया एंड माइनस वाई कर देंगे। माइनस वाई से क्या होगा, जो भी रिकमांड इसके आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन मेरे पूछेगा, उसको ऑटोमेटिक ये कर देगा। तो इसने ऑटोमेटिक कर दिया, क्लियर। अब यहाँ आते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं इसको एक्सप्रेस को। बोल रहा है एंट्री पॉइंट, अब हम यूज करेंगे इसका टाइप स्क्रिप्ट का। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो इंडेक्स डॉट जेएस ना हो, क्या होगा, इंडेक्स डॉट टीएस। तो कॉपी करते हैं इसको एंड एंट्री पॉइंट क्रिएट किया हमने यहाँ पर विद डॉट टीएस। कूल, अब ये करना है तो हमें यहाँ पर इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें दे दिया, क्या करना है, इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस। कॉपी किया हमने एंड पेस्ट किया। इसी के साथ आपको गूगल पे लिखना है क्या, एट द रेट टाइप्स एक्सप्रेस npm, इस तरीके से लिखना है आपको एंड चेक करना है ये पैकेज अवेलेबल है कि नहीं। अब ये पैकेज क्यों जरूरी है हमें, क्या इसका मतलब है, इस पैकेज से क्या होगा, जो हमारे टाइप्स होंगे उनको हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये खुद बोलता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। उसमें लिखा हुआ है पैकेज कंटेन टाइप्स डेफिनेशन फॉर एक्सप्रेस, ठीक है। जो हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन है ये वाला, इसके टाइप्स इसके पास है, इस पैकेज के पास, और इसके वीकली डाउनलोड बहुत सारे हैं। कूल, यहाँ पर आते हैं तो इंस्टॉल हो चुका है हमारा, एक ऐप क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं किस पर, एक्सप्रेस जेएस पे, और बोलते हैं बताओ ऐप कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इससे बोला हेलो वर्ल्ड, कॉपी करते हैं इसको पूरे को और पेस्ट किया, ये हो गया ऐप। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटमेंट यूज ना करेंगे हम, इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज हमने किया इसको एंड सिंपल ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पर थ्री डॉट्स आ रहे हैं आपके, इस पर रिक्वेस्ट नीचे, रेस्पॉन्स नीचे एंड आपका एक्सप्रेस नीचे। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है आपने इंस्टॉल तो कर लिया है बट आपने इसके टैब्स इंस्टॉल नहीं किए। अब टैब्स क्यों जरूरी है, देखो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट लिया, अब इसको नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट क्या है, इसको क्या पता क्या है भाई। तो हमने इसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुमने एक एक्सप्रेस के रिक्वेस्ट हो, रेस्पॉन्स से बोलना पड़ेगा कि तुम रेस्पॉन्स हो ऐसे, ठीक है। जिसकी पोर्ट है, अभी पोर्ट को क्या है, इसने इन्फर्ट कर लिया कि टैब का एक नंबर है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया नंबर तो ये क्या हो गया, नंबर बन गया। बट इसको कैसे बताएं कि हम तुम्हारा टैब क्या है, तो इसके लिए हमें टैब इंस्टॉल करनी पड़ेगी। के लिए आते हैं और जो पैकेज बताया था मैंने आपको इस दैट, अगर होवर करते हुए तो ये बताता है कि आपको टैब्स एक्टिव लिखना पड़ेगा। कॉपी किया हमने इसको, इंस्टॉल किया फुल, और ऐसा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है ये देख लेना आप, ओके ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर से टैब्स कहाँ से आएंगे, एक्सप्रेस के अंदर से आएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेना रिक्वेस्ट, सेकंड लेना हमें रेस्पॉन्स, करो इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, देखिए आपने सेम इसको करना है। तो उसी हमारे एरर जा चुके हैं। अब आते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कमांड डिफाइन करेंगे, कहाँ पर करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने लिखा लाइक, हमने लिखा स्टार्ट कमांड, जो क्या होता है बेसिकली कोड इंडेक्स डॉट टी एस। अब जेएस तो है नहीं तो टी एस करेंगे, सेकेंड थिंग इज डेव, तो लिखेंगे नोट वन इंडेक्स डॉट टी एस, सेव किया हमने एंड देखते हैं सी एल एस यार्न डेव। यार्न क्या है, पैकेज मैंने जैसे आप एनपीएम होता है बिल्कुल सेम होता है यार्न भी, ठीक है। काम सबका ही सेम है, रन कर दिया हमने एंड चेक करते हैं इसको। तो हमने लिखा लोकल होस्ट 3000, लिखा हमने एंटर किया कि हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। अगर मुझे इसको जेसन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसा इसको जेसन भेज दूंगा इस तरीके से मैसेज। फिर देखो यहाँ पर मिल चुका मैसेज हेलो वर्ल्ड, ये आपका काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अब मान लो मुझे ना राउट्स क्रिएट करने हैं, अब राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक राउट ये हो गया, एक राउटर लेना है मुझे से कर दिया। अब ये क्या हो जाएंगे, सारे राउट्स ना एक फाइल के अंदर हो जाएंगे, ये इस राउट को ब्रेक करना है अलग अलग फाइल्स में। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा राउट्स नाम से, इस तरीके से। इसके अंदर फाइल क्रिएट की मैंने मेन डॉट राउट्स डॉट जेएस,
टीएस ने करा, टीएस की है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे राउटर इंस्टेंस क्रिएट करना है, अब ऐप इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना, अगर ऐप करोगे तो आपकी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा ऐप हो जाएंगे, तो उससे अच्छा क्या करोगे आप, राउटर इंस्टेंस क्रिएट करोगे। आपने लिखा डॉट कॉन्फ एक्सटेंशन पर एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, लिखा इसी का लिखा कॉन्फ राउटर, कहां से आएगा ये, एक्सप्रेस के अंदर राउटर आएगा, ये लिखा आपने, पासवर्ड तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बिकॉज वी यूज ES6 और लिख दिया हमने क्या राउटर, ओके कूल। कॉपी किया हमने इसको यहाँ पर आए और इससे बोला क्या एज अ मिडल वेयर, द मिडल वेयर ऐप डॉट यूज, एक पैटर्न फॉलो करते हैं स्लैश एपीआई स्लैश वी, इस तरीके जब भी राउटर को हिट करेगा तो राउट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो इसका टाइप होता है वो होता है आपका राउटर, अगर देखोगे इस पर तो लिखा रहा है क्या राउटर, ये कहाँ पे आता है एक्सप्रेस से, अगर आप डालते हो यहाँ से राउटर, लिखो ये डाल दो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका टाइप हो गया। अब हमने लिखा है राउटर डॉट राउट, हमने बोला स्लैश रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर हिट करता है या फिर हमने बोल दिया स्लैश हाई रजिस्टर बोलते हैं, और हमने बोला कुछ इस तरीके से, जब भी तुम्हें कोई पोस्ट करे तब ये काम करना। अब क्या हम क्या करता है, एक लिखा रिक्वेस्ट एक लिखा रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसके टाइप डिफाइन करने हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहीं से निकाल लेंगे क्या एक विच इज, हमने निकाल लिया रेस्पॉन्स निकाल लिया रिक्वेस्ट, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट किया हमने, ठीक है, से सेम हमें क्या करना है यहाँ पर भी पेस्ट कर, यहाँ पर आए और हमने बोला कुछ डेटा निकाल दो, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा हमें क्या भेजेगा रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर, कौन सी रिक्वेस्ट बॉडी, ये वाली के यहाँ रेस्पॉन्स करना है ना, कि देखा हमने मिल गया। अब यहां से हमें कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बंदे से चाहिए हमें उसका नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, ठीक है, ये लिखा हमने, और हमने बोला कि एक काम करो वो डेटा आ जाए उसको क्या करो सेंड कर दो, सेंड किया हमने इसके फॉर्म में जेसन फॉर्म में, टेस्ट डॉट सेंड क्या लिखना है हमें, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लिखना है, यहाँ पर आते हैं इसको लिखा हमने और इसको एज अ पास कर, ठीक है, कूल। अब क्या करते हैं इसको हिट कर देखते हैं, अब हम यूज करेंगे इसका थंडर क्लाइंट का, आपको मिल जाएगा वीएस कोड से इंस्टॉल करना है, आपको एक्सटेंशन से क्या मिलेगा थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट है, वी पोस्टमैन है, बहुत सारे आपको मिल जाएगी एपी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं लिखा हमने HTTP कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपी स्लैश V1 स्लैश रजिस्टर, जो हमारा पाथ है कहाँ तक का, कहाँ तक का, बट हमने गलती कर दी, ये लिखा हमने, कोई नहीं गलती नहीं की, सही है, अभी तो बताऊंगा गलती क्या की है, बट अभी क्या करते हैं इसको लिख, तो पोस्ट किया हमने और लिखा हमने बॉडी में, मैंने भेजा क्या एक नेम भेज दिया कृष्णा, और डेटा नहीं भेजा मैंने, सेंड किया मैंने, मुझे मिल चुका है एक एरर, ये बोल रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं हो सकता यहाँ पर, कि आपने कुछ गलती किया है, ठीक है, तो गलत कहाँ किया हमने, हाँ चेक करते एक बार, बोल रहा है कि आपने गलती यहाँ नहीं की, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया, तो रजिस्टर है ना कि रजिस्टर, तो हमने स्पेलिंग गलत कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आते हैं एंड चेक करते हैं इसको, तो सी मैंने किया, यहां मिल रहा है मुझे एरर, कैन नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी दैट थिंग, बिकॉज हमने जो ईमेल और पासवर्ड हमने भेजे नहीं और वहां से एरर आ रहा है, तो इस एरर को हैंडल करेंगे, बट अभी क्या करते हैं यहां पर भेजते हैं, मैंने भेजा कुछ भी ईमेल रैंडम सा एंड सेम पासवर्ड, अभी गलती की थी मैंने बताया था गलती की, वो गलती क्या थी, गलती हमारी थी, अभी हम सेंड कर रहे हैं तभी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको क्या पार्स करना डेटा को, पार्स कहाँ करते हैं बेसिकली, हम यहाँ करते हैं, तो हमने बोला कुछ मिडलवेयर है हमारे पास, मिडलवेयर को लगाओ, जैसे कि ऐप डॉट यूज, कौन सा एक्सप्रेस के अंदर मिलता है आपको एक जेसन, तो बॉडी पार्सर होता है, सेकेंड मिलता है यूआरएल एनकोडेड, जो फॉर्म के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ये दो मिडलवेयर होते हैं आपके डेटा को गेट करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर हम चेक करें कि अब भी ये काम करता है कि नहीं करता, सेंड किया मैंने तो काम कर रहे हैं अच्छी तरीके, इसको चाहो तो तुम डेटा इसके अंदर सेव कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। अब डेटा कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक फोन में फाइल है विच इज db.config.. यहाँ पर हम एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं विच इज मोंगोज, ये लिखा हमने, इंस्टॉल हो जाएगा तब तक इसको इम्पोर्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक हम क्रिएट करते हैं फंक्शन इस एक्सपोर्ट कॉन्स कनेक्टिवी, क्या करेगा डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, इसी लिखा हमने, और कुछ ट्रैकेज देते हैं
हमने, हमने बोला मॉन्गूस डॉट डिस्कनेक्ट सेम फॉर प्रोसेस डॉट एक्सिट वन। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी एरर आता है डिटेल्स के अंदर तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके इसी के साथ आपको लिखना क्या अवरेट मॉन्गूस डॉट कनेक्ट मोंगो डीबी पर होस्ट जो भी आपका कोई डेटाबेस का नाम दे दिया क्या अभी के लिए एक्सप्रेस ठीक है, रैंडम डेटाबेस है कोई दिक्कत नहीं, ये काम करेगा। पर चेक करते हैं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या करेंगे लॉक करेंगे द डीबी इज कनेक्ट हुए, देखा हमने इस तरीके लिखा और ये काम हो चुका। अब इसको इंपोर्ट करते कहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एस में, हमने लिखा यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ टैब दोबारा से स्टार्ट हो चुका होगा एंड अपने डेटाबेस कनेक्ट हो चुका होगा। वेट करते हैं इसका कनेक्ट होने का एंड तब तक क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं और इस डेटा को डालते हैं कहाँ पर अपने के अंदर, हमने डाला बोलते हैं टास्क बोलते हैं ना कि कोई ऐसा कर नहीं रहे, हमने बोला क्या टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बोला क्या एक काम करो एक मॉडल क्रिएट करो, क्या कौन काम करते फाइल क्रिएट करते हैं इसके अंदर लिखा हमने टास्क डॉट मॉडल डॉट जी ए ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है एक स्कीमा क्रिएट करना था, लिखा हमने टाइटल इस टाइप ऑफ एक मॉडल क्रिएट किया हमने, बोला क्या एक्स टास्क एंड ये वाला स्कीमा डाल दिया और एक काम करेगा। अब इसको कॉपी करते हैं चलते मेन डॉट राउट्स में यहाँ पर आए और बोला हमने अवेट, क्या अवेट करना था हमारा टास्क मॉडल पहले तो उसको इंपोर्ट करो देन इसके अंदर क्या करो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो इसकी सहायता से टाइटल और डिस्क्रिप्शन की मदद से, ये हो जाएगा क्रिएट। अब इसको एसिंक भी लगाना पड़ेगा इस तरीके आपने बोला कॉन्स टू डू अंत ऐड कूल, कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पर मैं पेस्ट कर मैसेज डाल दिया आई टू डू क्रिएट हो चुका है आपका प्लीज क्रिएट, सेव किया हमने। अब बोल रहा है कि भाई ये नहीं मिल रहा है इसको नेम इज डेप्रिकेट बोल रहा है, कोई नहीं सही हो चुका है एंड ये बोल रहा है कि भाई डेप्रिकेट हो चुका है और ये भी सही देखो तो टेस्ट करते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टास्क लिया हमने और हमने बोला टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो हमने कुछ टाइटल वन सेम फॉर डिस्क्रिप्शन इस डी एस सी वन सेव सेंड किया तो हो चुका है क्रिएट। अब मान लो मुझे इनको शो करना है एक राउट क्रिएट किया किसका गेट का जावा में साइट टोटल गेट करूंगा, रिक्वेस्ट रहेगा एक रेस्पॉन्स रहेगा तो लिया हमने और हमने बोला फाइंड इस साइट टोटल को फाइंड कर दो, ये फाइंड किया हमने इस पास कर बेस्ट इस तरीके से और कितने टूडूज हैं टूडू डॉट लेंथ सेव किया एंड सी क्या मिलता है एंड एक बार काम करते हैं इस हमने अगर इसका टैप चेक करोगे तो इसका टैप क्या आ रहा है अगर इस पर होवर करोगे तो आपको टैप मिल जाएगा जो आपका टास्क मॉडल है ना ये ऑटोमेटिक पता था कि मैं क्या क्या तरीके डॉक्यूमेंट भेजूंगा, तो उसने भेजा कि मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट भेजूंगा जिसमें क्रिएटेड अपडेटेड जो आपकी नेटिव टैप होता है उसका टाइटल होगा जो अनडिफाइंड होता है नल भी हो सकता है और रिक्वायर्ड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब उसने सारा टाइप बता दिया आपको ये सारा टाइप आएगा और किस टाइप में आएगा एक एरे टाइप में बाइंड हो गया सारा का सारा। अगर आप सेम इसको होवर करते हो इसको इसको भी यहाँ पर क्या मिलता है आपको यहाँ पर आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है कि आपको ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिलता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए आपने एंड सी क्या मिलता है एक बार रिफ्रेश इसको एंड अभी मिल रहा है हमें ये तो /v1/task एंटर किया तो हमें टूडूज भी मिल रहा है एक काम हमारा हो रहा है। मैं आपको कुछ नया से सिखाता हूँ जैसे कि एरर हैंडलिंग। अब हम आते हैं यहाँ पर मान लो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन बंदे ने नहीं भेजे, मैंने बोला आउट ऑफ टाइटल हम क्या करेंगे तो क्या करना है तुम्हें न्यू एरर इस तरीके से एरर क्लास इसके अंदर पास करना पड़ता है कि मैंने बोला टाइटल इस तरीके से सेव किया हमने एंड थ्रो हो जाए तो रिटर्न की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम आते हैं यहाँ पर और हमने क्या किया एक बार रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट क्या करेंगे हम टाइटल को रिमूव कर अब हम सिंपल डिस्क्रिप्शन भेजेंगे या फिर उसको नहीं भेजेंगे को नहीं भेजा हमने एंड किया हमने तो मिलता है कि एक एरर एरर क्या मिल रहा है देखो
डेटा इज रिक्वायर्ड, बट इसने क्या किया, मेरे सबको स्टॉप कर दिया। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सबसे पहले एयर कहाँ पे है, राउट्स के अंदर, इसको करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। अब कैच कैसे करेंगे, यहाँ पर आते हैं, क्रिएट करते हैं नाम से एक फाइल विच इज कैच एसिंग नाम से, क्या करी कैच करी किसको, एरर को। हमने इसके अंदर बोला हमने फंक्शन लेते हैं कैच एस ऐसा पैरामीटर, एक फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा, फंक्शन जो क्या होगा जिसका टाइप वो होगा एक एनी, बस वो किसी टाइप हो सकता है। इसी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न करेगा कि रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा, और वहाँ से आएगा एक्सपेक्ट के अंदर से सेम फॉर रेस्ट, वहाँ से आएगा एक्सप्रेस सेम का आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ऐसे मिडलवेयर काम करेगा कि आपको आगे काम करना है कि नहीं चीज के लिए, लिखा हमने ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है, हमें बोलना है भाई सुनो प्रॉमिस, पहले प्रॉमिस को रिजोल्व करने की कोशिश करो, जब तक करो क्या करना है रिजोल्व, क्या पास कर दो इसके अंदर, फंक्शन पास कर दो, प्रॉमिस आएगा इसको पास करना रिक्वेस्ट और नेक्स्ट पास किया देन कैच। कैच में कोई एरर आता है, बाई चांस एरर आता है, उसको आगे बढ़ा दो ठीक है। अब आगे तो बढ़ेगा, देखते हैं आगे क्या बढ़ता है कि हमने इसको और हमने इसको यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर इस एसिंग को बाइंड कर दिया किस यहाँ पर कैच एस, वहाँ से आएगा यूटिल्स के अंदर कैच एसिंग फाइल के अंदर, ये लिखा हमने पास किया। अब आते हैं यहाँ पर टेस्ट पे आते हैं, अब सेंड कर देते हैं कि अब एरर किस तरीके से, पहले उसने क्या किया सर्वर को स्टॉप कर दिया था, सेंड किया हमने एम सी कि ऐसा सर्वर को स्टॉप नहीं किया बट अपना काम कर रहा है, सर्वर स्टॉप नहीं हुआ, इसने बोल दिया एरर टाइटल इज रिक्वायर्ड। अब इस एरर को हमें करना पड़ेगा जो हमने ये लिखा थ्रू जो पैर वाला वाला वो कैच करते हैं, मतलब इसको ना पीटी फॉर्म में देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे न्यू रिक्वेस्ट एक्स डॉट टी एस पे आते हैं और सबसे एंड यहाँ पर इस लाइन में बोलते हैं यहाँ पर लिसन से ऊपर एफ डॉट यूज या ये बोलते हैं रिक्वेस्ट जो किस टाइप का होगा, रिक्वेस्ट टाइप का कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट होगा टाइप का एक्सप्रेस टाइप और रेस्पॉन्स टाइप का होगा रेस्पॉन्स। एक सबसे आगे होता है एरर, क्या होता है नेक्स्ट होता है जो अगर मिडलवेयर काम करता है, बट इसमें नेक्स्ट जरूरत नहीं है, ये हमारा लास्ट क्या आउट, लास्ट आउट जो होगा सेंड करो या एरर, वो क्या होगा एरर के अंदर आपको मैसेज नाम से या मैसेज का नेम स्टैग, ये पूरा जितना भी दिख रहा है ना ये नीचे का, ये पूरा का पूरा स्टैग है आपका जो एरर है वहां से होकर यहाँ तक आया, इस लाइन में आया, किस किस बूस में होता रहा है एरर था, इसने क्या यहाँ से एरर आया सब कुछ ठीक है। एंड देखो यहाँ ओके, तो आपको करना पड़ेगा एक नेक्स्ट लगाना पड़ेगा तभी ये काम करता है, आपको नेक्स्ट भी लगाना है, ये काम नहीं आएगा बट ये लगाना ही लगाना है, इसको बोलना है कि आपको नेक्स्ट देना ही देना है, यानी उसी आपको ये एरर जो है प्रिटी फॉर्म में आ जाएगा, टाइटल इज रिक्वायर्ड सेंड करो काम करेगा। अब मान लो एक एरर और लाते हैं जैसे कि मान लो कनेक्शन नहीं किया, जब इसका हमने कर दिया स्टॉप, अब देखो जब हमने कनेक्ट ही नहीं किया तो डेटा से डेटा लेगा कैसे, इसको इंसर्ट करेगा समझ रहे हो ना, तो मान लो कि ये एरर रिजॉल्व हो जाता है तो वाला डाली टाइटल इसको ये डाल दी। अब जो है एरर कहाँ से आएगा, हमारा कनेक्शन थी मिलता क्या, वो सेंड किया मैंने टाइम लगा थोड़ा प्रोसेस करेगा इसको एंड बताएगा कि एरर क्या आएगा एंड मिलता है एरर ऑपरेशन टास्क डॉट इंसर्ट वन बफरिंग टाइम आउट ठीक है, बट ये हो चुका है और हमारा क्या एरर जो आया वो आ चुका है। अभी सोचोगे यार तुमने तो एरर भेजा है और यहाँ पे जो कोड आ रहा है वो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, देखो बाई डिफॉल्ट क्या होता है जो आपका जो एरर कोड होता है वो तो 500, तो मानते हो आप जाओगे तो आपको 500 ही मिलेगा, कहीं ना कहीं लिख रहा होगा इसको कोई नहीं बट इसका 500 होता है ठीक है। एंड अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको ऐसा रेस्पॉन्स भेज दिया। अब रेस्पॉन्स क्या है भाई, रेस्पॉन्स तुम जब भेजोगे ना जब तुम्हारा 200 का होगा या फिर 200 बाई डिफॉल्ट 200 होता है रेस्पॉन्स, तो तुम यहाँ पर भेज सकते हो 500 जो भी है तुम अपने हिसाब से भेज सकते हो। अगर हम आए इसको रिफ्रेश करते हैं तो भाई
यहाँ पर आपको 200 जगह मिलेगा इंटरनल सर्वर एरर। अब देखो ये था आपका इंटरनल सर्वर एरर क्यों था, क्योंकि आपका जो एरर था वो मंगूस का एरर था, वो इंटरनल सर्वर हुआ, आपने कोई ना कोई दिक्कत कर दी होगी, या उसका नाम गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड अगर हम सेंड करें अब सर को दोबारा लाते हैं यहाँ पर, बाद में खोल भी लेंगे, मिल रहा है हमें और क्या रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर। सेव करते हैं इसको और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मेन डाउट में आते हैं, अब हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं भेजे, तो एक्स कर लिया, सेव किया मैंने, ओके। अब आते हैं, सेंड किया मैंने, मुझे मिलता है टाइटल रिक्वायर्ड, बट अब मुझे क्या मिल रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो गलत बात है, पहली बात हमारा टाइटल रिक्वायर्ड है, मतलब क्लाइंट साइड एरर है, तो डेटा नहीं भेजा मेरे को, ठीक है, तो मैं कैसे प्रोसेस कर पाऊंगा उसको, तो इंटरनल सर्वर एरर नहीं हुआ। करना पड़ेगा इस एरर क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक खुद का कस्टम एरर क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करूंगा एपीआई एरर नाम से, समझ रहे हो ना, मतलब कि मैं क्या करूंगा, पहले कस्टम एरर बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा कोड होगा, मेरा मैसेज होगा, मेरा स्टैक होगा, सब कुछ मेरा होगा। बोला क्लास एपीआई एरर एक्सटेंड करेगा किसको, एरर क्लास को। जब हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए होती है, हम लिख दिया सुपर, ये सुपर कहाँ लिखेंगे हम, एक कंस्ट्रक्टर। अब जब हमें सुपर कॉल कराया, अब एरर क्या होता है, वो बाइट फॉल्ट मांगता है अपने मैसेज को, वाला उसके लिए क्या करेंगे, हम पैरामीटर ले लेंगे, जैसे कि एक स्टेटस कोड, जो क्या हुआ एक नंबर टाइप का हुआ, ठीक है, साथ ही इसे यहाँ लेना हमें क्या, एक मैसेज, किस टाइप का मैसेज चाहिए, मैसेज स्ट्रिंग टाइप, बस ये लिखते हैं अभी, और हमने भेज दिया। यहाँ पर आते हैं और लिखा हमें दिस डॉट मैसेज, क्या मैसेज, सेम फॉर दिस डॉट स्टेटस कोड। अब देखो जो हमारा ये है एरर क्लास, इसके पास खुद का स्टेटस कोड नहीं है, तो हमें कहना पड़ेगा खुद का बनाना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेटस के ऊपर बोला स्टेटस कोड इस नंबर डिफाइन कर दिया, सेव किया हमने, और एक बोल दिया क्या एक स्टैक जिस एरर डॉट कैप्चर एंड दिस डॉट कंस्ट्रक्ट, सेव किया, कॉपी करते हैं एपीआर को और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं अगर करना है तो। अब जहां पर हमने थ्रो किया तो क्या न्यू एरर को, उसकी जगह क्या करेंगे इस एरर को थ्रो एपी एरर को, तो ये क्या एक एरर क्लास है और ये काम करी से एरर की तरह हमने, बट इसके अंदर पास करना है स्टेटस को। अब हमने बोला टाइटल इज रिक्वायर्ड, मतलब कि 400 बैड रिक्वायर्ड, सेव करते हैं इसको, टेस्ट करना है कि काम करते हैं। अब हमें मिलना चाहिए 400 विच इज बैड, सेंड किया मैंने एन सी, अभी मिल रहा है मुझे 500, और सेंड करते हैं अभी मुझे वही मिल रहा है, ठीक है। अभी क्यों मिल रहा है, क्योंकि तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक कर दिया, कहाँ पर, तो मुझे बोलना है सबसे पहले कंडीशन लगानी, कंडीशन ये होगी नो भाई इफ, आपको सिंपल है टाइप के अंदर विच इज एरर, पर इंस्टेंस होता है किसका, इंस्टेंस ऑफ ए पे एरर का, एरर क्या एक क्लास है, इसका डेटा निकाल रहा हूँ मैं, ये क्या इंस्टेंस है ए पे एरर का, अगर होता है तब उस केस में क्या करना, तुम्हें ये वाला रेस्पॉन्स भेजना है और एंड में रिटर्न लगा देंगे जिससे पड़ेगा क्या एरर, इसके अंदर मिलता है स्टेट कोड, मिल गया ऑटोमेटिक, कब मिला जब आपने ये कंडीशन लगाई तब उसके बाद मिलेगा, और मैसेज अब सेंड करते हैं और अब देखते हैं इसका जादू क्या हमें मिलता है कि नहीं मिलता, 400 एंड सेंड, यू सी बैड रिक्वेस्ट में, और ये हमारा काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके, अगर मैं टेलीस में भेज दूंगा काम भी ये करेगा 400 एट सेट, ये हमें चाहिए। इस तरीके से क्या करते हो, एरर को कस्टमाइज करते हो। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा राउट है जो तुम्हारे पास है नहीं, टास्क मतलब जो है नहीं और कुछ इस तरीके देता है 404 रेट, क्योंकि कोई राउट है नहीं, एचटीएमएल टेम्पलेट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, हमने बोला एप डॉट यूज फर्स्ट रेस्पॉन्स, बस ये ले लो, और ये सिंपल राउट हो गया, ये राउट कौन सा होगा 404, मतलब जब कोई राउट नहीं मिलेगा तब इस पर आएगा, और इसको हम यहाँ पेश करते हैं, उसके टैब लिखे हुए हैं, तो हमने लिखा है इनको और हमने बोला क्या भाई सुनो या थ्रो करो, क्या करोगे यू ए पे एरर, बोला क्या 404 यानी कि नॉट फाउंड, सेकंड से क्या बोला पेज नॉट, या फिर हमने बोल दिया कौन सा पेज जो भी तुम रिक्वेस्ट करोगे, इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल बोलते ना कैन नॉट गेट दैट, तो ऐसे दे आता है रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, बातें टेस्ट करते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं करता, ये लिखा हमने सेंड किया, तो मिल रहा है ना ए पी स्लैश बी वन स्लैश टास्क,
नॉट फाउंड, हमारा काम कर रहा है और चार चार नॉट फाउंड। तो अभी देखो तो काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं इंडेक्स डॉट टीएस में, यहाँ देखोगे सारा कुछ कोड मैनेज हुआ हमारा। इसके अंदर मिडिलवेयर को हमने लिखा, क्लाउड्स को हमने मैनेज कर लिया, मॉडल्स को मैनेज किया, हमने यूजर्स को मैनेज किया, जिसके अंदर हमने यूजर्स बनाया क्या, एक एपीआई एरर, एक केज एसिंक। अब तुमने इतना बड़ा कोड यहाँ लिखा, तो तुम क्या करते हो, यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स करके एक फोल्डर क्रिएट करते हो विच इज मिडिलवेयर नाम से। मिडिलवेयर तो है ही एक्चुअल में, क्या होता है, फोल्डर क्रिएट करते हो विच इज मिडिलवेयर नाम से। हमने बोल देगा एरर हैंडलर डॉट टी एस, तरीके से कंट्रोल एक्स कर लो उस पूरे को, एक्सपोर्ट कॉस लिखा हमने एरर, ठीक है, ये हो चुका था हमारा। अरे काम इसको रहने दो, इसको सिंपल रखो, ठीक है। अब इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तब यही काम करेंगे सब कुछ। ये हमने सेम फॉर रिक्वेस्ट, ये कहाँ से आएंगे हमारे एक्सप्रेस के अंदर से। हमने सेम फॉर रेस्पॉन्स, इसको भी ले लो, कहाँ से आएगा, ये भी एक्सप्रेस के। फॉर दैट नेक्स्ट फंक्शन, अब इसको कॉपी करो पूरे को और इसको यहां पर पेस्ट कर दो एप डॉट यूज के अंदर। और एक क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा मिडलवेयर और एरर हैंडलिंग। इतनी सिंपल थी एरर हैंडलिंग, एप्स के अंदर बहुत इजी होती है। अब यहां पर आते हैं एंड पर काम कर ही रहा है, इसको चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो आउट्स के अंदर अपॉन यू। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया कैसे हम टाइप्स को यूज करते हैं एक्सप्रेस जेएस के साथ, कैसे उसके कोड को मैनेज किया जाता है, कैसे हम रेस्टी पेज क्रिएट करते हैं। तो अभी इस वीडियो को रखते हैं गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों में शेयर कर दो एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। तो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टाइम।